डिलीवरी का काम पिछले 4 साल से ज्यादा से कर रहे हैं और ये हम लोग कलकत्ता से ही शुरू किए थे और कलकत्ता हमारा पहला स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद अभी हम लोगों ने इसको इंडिया के 11 डिफरेंट शहरों में अभी इलेक्ट्रिसिटी फूड डिलीवरी करते हैं और चार साल के दरमियान हम लोगों ने मल्टीपल माइल स्टोन्स को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने अपना एक ऑलमोस्ट पेटेंटेड पैकेजिंग डेवलप किया जिसमें कि 72 आवर्स प्लस तक सामान खराब नहीं होता है, अपना खुद का कोल्ड चेन लॉजिस्टिक डेवलप किया है, खुद का अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और वी प्राउडली से दैट वी आर वन ऑफ द पायनियर इन इलेक्ट्रिसिटी फूड डिलीवरी एंड वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। इस पूरे जर्नी के दरमियान हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग एक बहुत सारे ऐसे समय आए जब लोगों ने हम लोगों से बोला कि हमारे को घर का खाना अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वाले को पहुंचाना है और बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों ने उनको भेजा और ये एक नया मार्केट सीक्वेंस हम लोगों को नजर आया और इस पर हम लोग पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं और बहुत सारे ट्रायल किए, उसके बाद ये आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कलकत्ता से कोई भी आदमी कभी भी कहीं से भी कोई भी खाना अपने घर से बुक कर सकता है और उसको हमारे आएंगे पिकअप बॉय और वो पिक करेंगे, उसके बाद हम लोगों का अपना जो प्रोपराइटरी पैकेजिंग है उसमें उसको पैक करके नेक्स्ट डे अराउंड 12 to 24 आवर्स के बीच डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे उसको आप भेजा जा रहा है और उसको डिलीवर कर दिया जाएगा सक्सेस, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है और जो हम लोगों ने किया है, जो एक्सपर्टीज है हमारा, उसको हम एक अलग सेगमेंट डिलीवरी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये हम लोग एक नया मार्केट सेगमेंट क्रिएट करेगा जिसमें कहीं पर भी कोई भी लोग कहीं से भी किसी दूसरे शहर में अगर अपना बनाया हुआ खाना या फिर अगर वो रेस्टोरेंट से भी खरीद के भेजना चाहता है तो और कुछ नहीं। नहीं, आप लोग कहाँ का भेजना चाहता है इंडिया के? अगर आप अगर सपोज करिए आप कलकत्ता से कोई आदमी अपने रिलेटिव को, अपने सन को, डॉटर को जो यहाँ से माइग्रेट किए हैं, अगर वो यहाँ से भेजना चाहें जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, तो हम लोगों का खुद का अपना ऑफिस है हर जगह पे और अभी हम लोग फिलहाल पिछले 4 साल से यहाँ से मल्टीपल स्टोर से, न केवल यहाँ से ही नहीं, इंडिया के 7 डिफरेंट सिटीज से हम लोग सामान पिक करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। लेकिन उस समय ये अभी तक हम लोगों ने रेस्टोरेंट का सामान पिक किया था, ये सर्विसेज जो है इसमें कोई भी आदमी अपना सामान अपने रिलेटिव को, अपने जानने वाले को कर सकते। कहाँ का प्रोसेस कर कैसे भेज सकता वो चीज? वो हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके अगर एनी टू एनी प्लेस एक टैब आपको दिखेगा मेनू में और वहाँ जा करके अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको पिकअप डेस्टिनेशन, पिकअप एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस आपको वहाँ पे डालना है और उसको सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आएंगे, कैटेगरीज के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के फूड्स आएंगे, उसको सेलेक्ट करके आपको फूड का वेट डालना है और जब आपने वेट डाल करके उसमें पिकअप डेट और पिकअप टाइमिंग्स अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपको वहाँ पे डिलीवरी डेट और डिलीवरी टाइमिंग आ जाएगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम को कैलकुलेट कर देगा और उसके बाद आप उसको बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप बुक करेंगे उसके शेड्यूल टाइम पे मिनिमम 4 आवर्स आपको टाइम रहेगा, उसके बाद ही आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो 4 घंटे के बाद अगर आपने शेड्यूल किया है तो हमारे पिकअप बॉय आएंगे, उसके पास वेइंग स्केल होगा जिससे कि वो आपके जो फूड है उसको आप अगर अप्रॉक्सीमेट वेट डालते हैं तो वेइंग स्केल से वो उसको वेट करेंगे और वो उनके अपने एप्लीकेशन में वो वेट डालेंगे, वो फाइनली आपको भी दिखेगा। क्योंकि पूरा बंगाल से नहीं, पर कलकत्ता से, सॉरी सिर्फ कलकत्ता से होगा ना, बंगाल से पूरा एरिया से होगा? नहीं, कलकत्ता से सभी जगह पर भेजेंगे और बाहर से भी यहाँ पे आएगा। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट आज से कलकत्ता से कर रहे हैं, जहाँ से वो कलकत्ता से सभी जगह भेज सकते हैं, लेकिन ओवर द 15 डेज इसको इंडिया के जहाँ भी हमारा ऑपरेशन है वो सभी जगह से शुरू कर रहे हैं। चार्जेस क्या होगा, चार्जेस क्या है चार्जेस? अभी फिलहाल हम लोगों का 210 रुपये पर केजी है। पर केजी? यस, चाहे मच्छी हो चाहे मटन हो, बहुत ही कम है। अगर हम इसको क्योंकि एयर कार्गो यूज करते हैं और एयर कार्गो का प्रेट जो है बहुत हाई है, इंक्लूडिंग द पैकेजिंग। नहीं करता, उन्होंने शुरू किया था लेकिन उन्होंने क्लोज कर दिया, पहली बात यह है। और वो 2 बार प्रयास कर चुके हैं और हम लोग नेशनल लेवल पे इसको हम लोगों का बहुत अच्छा अट्रैक्शन है और हम लोगों का एक्सेप्टेंस है। अगर आप जाकर ढूंढेंगे तो पता चलेगा हम लोगों के ऐप का रेटिंग और भी चीज़ों का, आप जाकर देखें तो पता चलेगा हमारा 4.4 और 4.3 से नीचे कभी भी ऐप का रेटिंग नहीं गया है।
इसके अलावा जोमेटो इंटरसिटी फूड डिलीवरी नहीं करता है। हमने बताया कि फूड को अगर आपको फ्रेश रखना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, वो हम लोगों का प्रोप्राइटरी है और वो पैकेजिंग हम लोगों ने इंडियन सोडा पैकेजिंग से टेस्ट भी करवाया है। मिनिमम वजन, मिनिमम वेट, मिनिमम चार्जेस कितना है? मिनिमम कितना ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने 500 ग्राम से कम भेजा तो आपको मिनिमम 500 ग्राम से चार्ज पैसा देना। कितना पैसा? 150 रुपीज। फर्स्ट 500 ग्राम का 150 रुपीज है, उसके बाद पर केजी का 210 रुपीज। नेशनल वाइज कितना टाइम लग जाएगा? ये तो हम लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं और हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि रमजान में जो हलीम है हैदराबाद का मोस्ट फेमस हलीम, वो हम लोग आई थिंक वी आर द ओनली वन हु डिलीवर्ड हलीम डायरेक्टली फ्रॉम हैदराबाद टू ऑल द सिटीज इन इंडिया, जो कि बहुत ही हाईली परिसर्वी होता है और हम लोग अपने पूरे कोल्ड चेन को यूज करते हैं, उसको ऑलमोस्ट फ्रिज करके लाना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाए। तो आप अगर हमारे फेसबुक पे जाएँ या इंस्टाग्राम पे जाएँ तो वहाँ पर हलीम के बारे में आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे जो लोगों ने डाला। अगर खाना खराब हो जाए तो उस टाइम क्या होगा? खाना खराब नहीं होगा, ये गारंटेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी करते के समय आप उसको चेक कर सकते हैं, ये प्रोविजन हम लोग हर कस्टमर को देते हैं और हम लोगों के पास खाना खराब होने का कोई भी कंप्लेंट पिछले 1.5 साल से नहीं।